जेलों के अंदर कैदियों की भीड़, बदतर हालात और सुविधाओं की कमी। भारत के जेलों में ऐसे हालात और सुधार को लेकर कई बार आवाज उठती है, पर क्या अमेरिका जैसे देश में भी कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है? क्या उन्हें यातना दी जाती है? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। अमेरिका के लिए ये साल काफी मुश्किलों भरा रहा है। कोरोना महामारी की सबसे तगड़ी मार अमेरिका पर पड़ी तो नस्ल भेद को लेकर भड़की हिंसा की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक अहम मुद्दा बन गया है। लेकिन एक और संकट भी है जो अमेरिका की जेल व्यवस्था में पनप रहा है। वहां हर साल हजारों कैदियों की मौत हो जाती है। मरने वालों में गोरे लोगों के मुकाबले अफ्रीकी अमरीकी काले लोग ज्यादा हैं। ताजा आंकड़ों से पता चला है कि गोरों की तुलना में काले अमरीकियों को सजा होने की दर 5 गुना ज्यादा है। साल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक अमरीका की आबादी में 13% अफ्रीकी अमरीकी थे, पर वहां की जेलों में बंद 1/3 लोग काले थे। यानी हर 1,00,000 अफ्रीकी अमरीकियों पर 1,000 कैदी थे और हर 1,00,000 गोरे अमरीकियों पर करीब 200 कैदी। बीबीसी संवाददाता हिलेरी एंडरसन ने मिसिसिपी के पार्चमेंट जेल का दौरा किया, जहां इस साल अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस जगह पर जहां कभी कैदी गुलामों की तरह मेहनत मशक्कत करते थे, मौजूद है बड़ी सुरक्षा वाली एक बदनाम जेल। हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, पर हमें अंदर का राज पता चल रहा था। जेल के कैदी जेल के अव्यवस्थित माहौल को उन मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं जो यहाँ वर्जित है। कम वेतन पर काम करने वाला जेल का थोड़ा सा स्टाफ इस लड़ाई में कहीं नहीं देखा गया। कुछ लोगों को कानून तोड़ने वाले इन लोगों से सहानुभूति नहीं होगी, पर बजट के कम होने से मिसिसिपी की ये जेल अमरीका की सबसे खतरनाक जेलों में से एक बन गई है। टूटी फूटी जेल की इमारत में बारिश का पानी भर जाता है। ये जेल के हॉल में रेंगता एक सांप है। कैदी कहते हैं कि रात को उन पर चूहे और कॉकरोच रेंगते हैं। फफूंद हर जगह लगी हुई है, पर कैदियों के लिए सबसे तकलीफ देह है उन्हें परोसा जाने वाला खाना। डेस्मंड ने जेल के सबसे ज्यादा खराब हिस्से यूनिट 29 में 14 साल गुजारे। ये उसे होल बुलाते थे। किचन में बस कीड़े ही कीड़े थे। एक बार तो पता चला कि ब्रेड को बेक करते वक्त एक चूहे को बेक कर दिया गया। मैंने और मेरे दूसरे साथियों ने उसे फेंक दिया, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जेल के अधिकारियों ने कहा कि खाना खाने लायक है और पौष्टिक भी है। उन्होंने दलील में कहा कि ये कैदी हैं और उन्हें स्वादिष्ट खाना तो नहीं मिल सकता है। जेवॉन कहते हैं कि 3 हफ्ते पार्चमेंट में रहने से उनका वजन 13 किलो कम हुआ। उनके अंगूठे फफूंद की वजह से गलने शुरू हो गए हैं। जो मेरे आसपास हो रहा था उसे देखते हुए मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मैं बाहर आ गया। मेरी आंखों के सामने लोग मर रहे थे। दुनिया में और कहीं भी इतनी तादाद में कैदियों को नहीं रखा जाता। मिसिसिपी की जेलों में बाकी और जेलों की तरह ही ज्यादातर काले अफ्रीकी अमरीकी कैद हैं। हम ये नहीं बताना चाहते कि यहाँ एक तरह नस्लभेद हो रहा है, पर हर कोई जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जनवरी के महीने में गैंग्स के बीच लड़ाई के दौरान पार्चमेंट में बिजली गुल हो गई थी। कैदियों ने कहा कि उन्होंने मदद के लिए आग जलाई। इस अंधेरी जगह पर एडी मिल्स नाम का कैदी लेटा था, जिसे डायबिटीज था। वो मेरा बेटा था। किसी ने मेरे बेटे के लिए मदद मांगी क्योंकि उसे दवाई चाहिए थी। वो बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड था। सैंड्रा का मानना है कि उनके बेटे ने हफ्तों से दवाई नहीं ली थी, बाद में उनकी मौत हो गई। हमने ऐसे कई वाक्य सुने जिनमें मेडिकल सेवा को नजरअंदाज किया गया। जेल के अधिकारियों ने एडी की मौत पर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बीबीसी को बताया कि वो बहुत तेजी से जेल की हालत को सुधारने में जुटे हैं और उन्होंने इसमें बड़ी प्रगति की है, पर कुछ कैदियों का मानना है कि जेल का माहौल अभी भी पुराने जैसा है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत, जेकब ब्लैक पर हुई गोलीबारी, डेनियल प्रूड की मौत ने दुनिया का ध्यान पुलिस की बर्बरता की ओर खींचा।
पर पूरे अमेरिका में जेल में हुई मौतों का आंकड़ा ट्रंप प्रशासन ने उजागर ही नहीं किया है। हम जानते हैं कि सालाना पूरे अमेरिका की जेलों में करीब 5,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इसमें से आधे लोग या तो खुदकुशी या ड्रग्स की ज्यादा मात्रा लेने से मरते हैं। तो बचे 2,500 लोग जिनकी दूसरे कारणों से मौत, और ये संख्या पुलिस के हाथों मरने वाले लोगों की संख्या की दोगुनी या तिगुनी होगी। जेल का एक पूरा सेल प्रार्थना कर रहा है। अकेले पार्चमन में ही इस साल अब तक 29 कैदियों की मौत हो चुकी है। तो ये तो था अमरीकी जेलों का हाल, पर भारत की जेलों की क्या स्थिति है? भारत में जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कहा था कि जेलों में कैदियों की भीड़ की समस्या को सुलझाएं ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। पर क्या ऐसा हुआ? इस पर हमने बात की जेल सुधारक वर्तिकानंदा से। जेलों के अंदर बहुत सारी जेलें हैं। जितनी भी जेलों को मैंने आज तक देखा या महसूस किया, हर जेल इतने हिस्सों में बटी हुई है कि जेल के अंदर की जेल को समझने के लिए भी शायद एक उम्र चाहिए। कोरोना के समय में भी कई अजीब बातें हुई जो मीडिया के सामने शायद ना आ पाई, ना किसी और ने सोचना उस पर चाहा। जैसे कि भीड़ से भरी जेलों में अचानक ये तय किया गया कि कैसे अब जो नए बंदी आए हैं उनको अलग कैसे रखा जाए, रखने की एक समस्या हुई। फिर क्या हुआ कि कई जेलों में जहां जगह ऑलरेडी बहुत कम थी, वहां एक और बैरक को खाली किया गया जहां पर उन बंदियों को रखा गया जो नए बंदी आ रहे थे। अब आप जरा इस चीज की कल्पना कीजिए कि कितना मुश्किल हुआ होगा। मुझे बड़ी अजीब सी बात ये लगती है कि जेल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि कोई बंदी एक तो भागे ना और दूसरा किसी बंदी की मौत ना हो, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद बाकी सारी बातें आती हैं, जेल का सुधार, बंदियों के रहन सहन की स्थिति, उनका अच्छा खान पान। जेल अधिकारी की पहली चिंता यही रहती है कि जितने लोग सुबह थे रिहाई को अगर हम हटा दें बाकी ठीक हो, सही सलामत हो। और मैं समझती हूँ ये गिनती की जो प्रक्रिया है इसमें जेलें इतनी उलझी रहती हैं कि जो मानवीय पक्ष है वो अक्सर पिछड़ जाए। कोरोना के समय में कई जेलें तो असल में अपनी वास्तविक स्थिति से भी काफी पीछे चले गए हैं। किसी ने भी क्या ये सोचने की कोशिश की कि हम जब कोरोना के समय घर के अंदर थे, बहुत लोगों ने अपने आप की अपनी जिंदगी की कल्पना जेल से करनी शुरू की। हमारे पास ईमेल है, स्काइप है, फोन है, आप बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बंदी कैसे करें? मुलाकातें तो बंद है, क्योंकि उन्हें लगा कि जो परंपरागत तरीका भी था मुलाकात का, अगर वो बंद हो गया तो कोई बात नहीं, इंतजार किया जा सकता है, हम मुलाकातों को शुरू कर देंगे जब कोरोना का समय खत्म होगा। मैं ये समझती हूँ कि जेलें वैसे ही इतनी सारी सीखों में बंधी हुई है, उसमें जब बहुत सारी और बंदिशें आती हैं जो बाहर की दुनिया की वजह से आती हैं, उससे जेलों का सिकुड़ जाना बहुत स्वाभाविक है।